नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वर्तमान में हम सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वहां पर हम अपनी ईमेल आईडी के द्वारा या जीमेल आईडी के द्वारा उस स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जीमेल आईडी से हमारे जो गूगल ड्राइव हैं या गूगल फोटोज़ हैं या हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमारी ईमेल आईडी पर सेव रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमने अपनी ईमेल या जीमेल को सेफ और सिक्योर नहीं किया तो अगर कोई भी अगर हमारी ईमेल को हैक कर लेता है तो हमारा बहुत सारा पर्सनल डाटा वहां से चोरी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है तो YouTube की पॉलिसी के तहत वहाँ पर हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर तो हम ऑन कर लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ ईमेल आईडीज हमारी ऐसी होती हैं जिस पर हमारा YouTube चैनल नहीं बना होता है। तो फ्रेंड्स, जिस ईमेल आईडी पर हमारा YouTube चैनल नहीं बना है हमें उस ईमेल पर भी टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहिए ताकि वहाँ पर हमारा जो भी डाटा है वो सेफ हो सके, सिक्योर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ईमेल या जीमेल के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन को किस प्रकार से ऑन किया जाता है और अपने डाटा को हम किस प्रकार से सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है। जीमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो ईमेल का आइकॉन नजर आ रहा है हमें इस पर क्लिक कर लेना है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो अब हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं जिसमें यहाँ पर लिखा रहा है होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है इस सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे हम नीचे जाते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑफ है, अब हमें इसको ऑन कर लेना है। इसके लिए अब हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन, हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा रहा है यूज टू स्टेप वेरिफिकेशन फॉर ऑल योर ऑनलाइन अकाउंट। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड का, तो इस गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर अब हमें क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमसे एंटर योर पासवर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड जो ईमेल है उसके पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ईमेल के पासवर्ड फिलअप करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स, स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर हाउ डू यू वांट टू गेट कोड्स, यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन है, टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल। तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट मैसेज पर राइट करना है और राइट करने के बाद यहाँ पर सेंड का ऑप्शन नजर आ रहा है, अब हमें सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे पास जो कन्फर्मेशन कोड है, गूगल कोड है, वो आ जाते हैं, 6 डिजिट के कोड होते हैं। अब हमें उनको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा रहा है टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, अब हमें टर्न ऑन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम टर्न ऑन पर क्लिक करते हैं जो हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन है जीमेल के अंदर वो ऑन हो चुका है। यानी इस प्रकार हमें अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल के अंदर ऑन कर लेना है और हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे टर्न ऑफ का ऑप्शन हो रहा है, यानी कि अगर हम चाहें तो अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हमें अपने जीमेल के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे लिखा रहा है वॉइस और टेक्स्ट मैसेज वेरीफाइड, यानी कि हमारा जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे जीमेल को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। अगर कोई हैक करने का कोशिश करता है तो हमारे पास एक मैसेज आएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार टू स्टेप वेरिफिकेशन के कारण अब कोई भी हमारे जो जीमेल अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट अवश्य डालिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।